हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। स्विस बैंक का नाम लेते ही सभी के दिमाग में काला धन आ जाता है। भारत में भी जिन लोगों के अकाउंट स्विस बैंक में हैं उनके बारे में पहला ख्याल यही आता है कि वो आदमी करप्ट होगा। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जानेंगे शुरू से आखिर तक, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सेवनटीन थर्टीन में जिनेवा में एक ग्रेट काउंसिल ऑफ जिनेवा की एक बैठक हुई, जिसमें कि बैंकों ने एक नियम बनाया कि वो अपने ग्राहकों की बैंक डिटेल को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देंगे। तभी से स्विस बैंक के खाते पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित खातों में मशहूर हो गए हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाता आसानी से नहीं खुलता। स्विट्जरलैंड की बैंकों में कई तरह के खाते खोले जाते हैं, जिनमें खाता खोलने की कंडीशन और शुरुआती जमा राशि के साथ सुरक्षा के उपाय भी अलग अलग होते हैं। खाता धारक को किस प्रकार की सुरक्षा और लेन देन की सुविधा प्रदान की जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने किस तरह का खाता खुलवाया है और कितना अमाउंट जमा करवाया है। स्विट्जरलैंड की बैंक में खाता नंबर खाता होता है, जिसमें कि लेन देन बिना खाता धारक का नाम बताए ही किया जाता है। ज़्यादातर बैंकों में खाता खुलवाने के लिए व्यक्ति को खुद वहां पर उपस्थित होना पड़ता है, लेकिन कुछ बैंक ईमेल और फैक्स के जरिए भी खाता खोल देते हैं। चलिए जानते हैं कि खाता खोलने की क्या योग्यता होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा एक व्यक्ति को व्यापार करने के उद्देश्य से स्विस बैंक खाता खोलने की अनुमति देता है। अगर कोई भारतीय स्विस बैंक में खाता खोलना चाहता है तो उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर स्विस बैंक को ये लगता है कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार या फिर आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधियों से धन कमाया है, तो वो खाता खोलने से मना भी कर सकते हैं। स्विस बैंक में आप खाता लगभग किसी भी मुद्रा में खुलवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग स्विस बैंक में अमेरिकी डॉलर, यूरो और स्टर्लिन में खाता खुलवाते हैं। एक NRI यानी कि अनिवासी भारतीय, जो बाद में निवासी भारतीय बन जाता है, बिना किसी दिक्कत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाते को संचालित कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इस तरह के खाते में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। स्विस बैंक में खाता खुलवाने के लिए मिनिमम अमाउंट खाते के प्रकार पर यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी कि कुछ हज़ार डॉलर से लेकर 10 लाख डॉलर या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आमतौर पर कम से कम 1 लाख डॉलर की स्टार्टिंग अमाउंट जमा करने की ज़रूरत होती है और खाता धारक को इस खाते के मेंटेनेंस के लिए हर साल $300 या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट खर्च भी करना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि इस खाते में लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन करने पर आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। किसी भी दूसरे बैंक की तरह स्विस बैंक भी बैंक में खोले गए खाते के लिए डेबिट, क्रेडिट या फिर चेक सुविधा प्रदान करता है। व्यक्ति को अपने खाते की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए केवल यात्री चेक यानी कि ट्रैवलर चेक के जरिए ही लेन देन करना चाहिए। आपके लेन देन के प्रकार के हिसाब से अलग अलग शुल्क भी लिया जाता है। जैसे कि आप साधारण खाता खुलवाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक आउटगोइंग की लागत हर लेन देन के लिए $3 से $4 लेता है। जब आप अपने खाते में अंतर्राष्ट्रीय चेक जमा करते हैं तो $5 से $10 तक चार्ज किया जाता है। लेकिन एक अकाउंट होल्डर किसी भी प्रतिबंध के बिना, किसी भी शुल्क के बिना, किसी भी समय अपने खाते को बंद करने के लिए स्वतंत्र होता है। चलिए अब बात करते हैं कि खाते पर कितना ब्याज दिया जाता है। अगर अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में स्विस फ्रैंक के धन जमा करता है तो आपको थोड़ा ब्याज मिलेगा, लेकिन स्विस मुद्रा रखने के कारण आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस कारण से ज़्यादातर अकाउंट होल्डर जो स्विट्जरलैंड में नहीं रहते हैं, वो स्विस बैंक खाते में कुछ दूसरी मुद्रा जैसे कि US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड या फिर यूरो इत्यादि रखते हैं। ऐसा करने पर आपके पैसे को मनी मार्केट फंड में रखा जा सकता है और वहाँ से आपको ब्याज मिलता है।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि स्विस बैंक में किस तरह से अकाउंट खोला जाता है और उसको ऑपरेट किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।